हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अभी बजे हैं 8 और मैं आई हूँ प्रांकी को छोड़ के स्कूल, क्योंकि मुझे और क्रियांश को जाना पड़ता है आजकल। और अभी आके जस्ट खड़े हुए, तो अभी मैं बनाऊंगी पहले चाय, क्योंकि मैं मॉर्निंग में उठ के पहले चाय नहीं पीती, बस थोड़ा सा गर्म पानी पी लेती हूँ और फिर उसके बाद प्रांकी का लंच वगैरह ये सब बनाती हूँ और उसके बाद उसको छोड़ने जाती हूँ। हाँ, साथ के साथ क्रियांश को भी रेडी करना पड़ता है, मतलब फुल कपड़े पहनाने पड़ते हैं, स्वेटर वगैरह, क्योंकि हवा लगती है, सुबह सुबह ठंडी है। हाँ, क्या है आपके पास? ये देखो, ये क्या है? एक कार्ड, आई कार्ड, आई कार्ड। तुमका है? हाँ, मेरा। अच्छा, और ये आज ऑटो में इतना बोल रहा, इतना बोल रहा, इतना बोल रहा कि जो ऑटो वाला भैया था ना, वो भी कह रहा कि आज तो बोल रहा है। उन्होंने कहा वो शुरू शुरू में क्या होता है ना, पहले दिन एकदम अननोन होते हैं ना, तो अब थोड़ा कई दिन से जा रहा है लगातार कंटिन्यू, तो जान पहचान हो गई है मतलब इसकी भी। तो अब आराम से बोल रहा था पूरे रास्ते, कुछ 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 पटर चटर पटर पटर चटर पटर बोलता ही जा रहा था। खैर, अभी मैं बनाती हूँ पहले चाय, फिर आराम से बैठ के चाय पीऊंगी, बाकी के काम बाद में। तो अभी मतलब चाय ला, नहाई धोई, उसके बाद सारा काम किया। और कल मतलब मैंने क्या किया था कि एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट है पति के लिए। तो वो मैंने मतलब अभी वो खोल के नहीं देखा था, लेकिन प्रांकी को मैंने मना किया हुआ था कि मत बताना, जब आएंगे पापा तो तब उनको तब दे देना, तुम ही दे देना, कोई बात नहीं। लेकिन उसके पेट में नहीं, बात ही नहीं पच रही, तो बोलने लगी, बताने लगी, फोन पे तो मतलब बात होती है, तो बताने लगी कि पापा हमने ना आपके लिए एक सरप्राइज लिया है, इस तरीके से बोल रही थी कि आपके लिए ना एक सरप्राइज है, वो जब आओगे ना तभी आपको मिलेगा, जब आप केक पे आ जाओगे तभी मिलेगा। लेकिन क्या है कि है बेटा, हाँ, बाहर रूम में पड़े हुए यही, तो उसने मतलब बता दिया उसको, ये तो मतलब ये पता है उसको कि क्या है। तो फिर ये है कि आपको ना घर जब आ जाओगे तभी, पीछे से मैं बोल रही हूँ कि मत बताना, क्योंकि इसे दो चार बार आप पूछो तो ये बता ही देगी। फिर क्या हुआ कि वो पूछने लगे कि क्या चीज है प्रांकी, सरप्राइज में क्या है मुझे बता दो। तो वो मतलब अच्छा, मैं नहीं बता रही हूँ, वो ना सरप्राइज है, फिर मैं नहीं बताऊंगी ऐसे। फिर उसके बाद पूछा कि अच्छा ऐसा कर, मतलब पापा ही पूछते हैं उसके स्टार्टिंग का वर्ड बता दे, तो उसने बता दिया एस, और फिर लास्ट का भी बता दे अच्छा चल, तो उसने भी बता दिया लास्ट का भी कि जी। उसके बाद नहीं, एकदम से नहीं गैस कर पाओगे आपकी क्या चीज हो सकता है। और मतलब सारी चीजें उसने बता दी है कि यूज वाली चीज है, आपको यूज करना है, पहनना नहीं है, खाना नहीं है, बस यूज करना है। तो मतलब उससे पूछने, मतलब हर कोशिश कर ली उसको पूछने की, अच्छा मिडिल वाला वर्ड और बता दे कि क्या है, क्योंकि अगर मिडिल वाला भी वर्ड अगर पता चले तो गैस करने में थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। मैं पीछे से बोल रही हूँ कि प्रांगी बताना नहीं है, अभी नहीं बताना, तो वो तब जाके मानी है कि हाँ नहीं बताना, वरना अगर दो चार बार उससे और पूछ लो ना तो वो डेफिनेटली बता ही देगी कि हाँ क्या है। तो मतलब बच्चों का ये है कि उन्हें सरप्राइज देना भी है और छिपाना भी नहीं है, मतलब उसका मन भी कर रहा है कि हाँ मैं बताऊं और मैं मना कर रही हूँ, तो वो इसलिए चुप है, शांत है कि मन का अगर सरप्राइज है तो फिर सरप्राइज ही रहने देना उसको प्रांकी, फिर अगर सरप्राइज को बता देगी तो फिर वो सरप्राइज थोड़ी ना रह जाएगा, तो तब तो उसको समझ में, हाँ मम्मी ठीक कर रही हो। वरना ये मुझे लगता है बच्चों की बात होती ही है कि उनको ये तो पता है कि सरप्राइज है, लेकिन अगर आप उनसे बार बार पूछने लगोगे ना तो कि क्या है, तो वो बता देगी कि ये कि क्या चीज है क्या नहीं है। तो मतलब कल की स्टोरी ये थी कि लड़की से मतलब पूछ रहे हैं कि हाँ क्या है, तो मतलब बता ही डालती है वो, ऐसी है। और अब आ जाते हैं किचन में, तो मैं किचन में बनाने जा रही हूँ अभी बैंगन का भरता, जो कि मैं विदाउट ऑनियन का बनाऊंगी बिकॉज आज है ट्यूसडे। तो अगर कभी कभी मतलब हो जाता है कि जैसे कभी कभी भूल जाते हैं कि हाँ ट्यूसडे है, तो ऑनियन और ये गार्लिक जो होता है वो नहीं खाना है, नहीं खाते हैं,
लेकिन कभी कभी मैं हो जाता है जैसे अचानक से बना लो, सुबह उठ के ध्यान नहीं रहता है कभी कभी, लेकिन मोस्टली नहीं खाते हैं। ध्यान रहता है वैसे कि हाँ ट्यूसडे है, लेकिन बाय चांस कभी कभी मैं ऐसा हो जाता है कि हाँ याद नहीं रहा। सुबह सुबह अगर डेली रूटीन होता है। क्या हुआ, ये कहाँ कर रहे हो तुम? तुम हो? क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ टीवी देखो, क्या टीवी देख रहे हो? पेपा पिग। पेपा पिग कैसे कहते हैं? पेपा पिग इधर देखना, इधर इधर। ये लड़का इतना शैतान है। अभी क्या है कि जैसे मैं छोड़ने जाती हूँ ना प्रांकी को स्कूल, तो ऑटो वाले भैया जो है, मतलब शुरू में तो जान पहचान नहीं हुई थी इसकी, अब ये है ना कि दिन में 2 बार जा रहा है तो थोड़ा सा मतलब फ्रेंक सा हो रहा है, मतलब बोलने लगता है, बोल लेता है अब तो पूरे रास्ते चटर पटर, कभी कुछ ये सन क्यों निकल, ये सन इधर क्यों आए, उधर क्यों जाए, पता नहीं क्या 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 क्या। तो जो ऑटो वाले भैया भी बोल रहा कि ये कितना बोलता है। मैंने कहा हाँ ये बोलता है बहुत। उनके शुरू में इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि मतलब पहचानती नहीं है, जान पहचान नहीं होती है इसलिए, वरना चटर पटर करता है पूरा दिन, बहुत ज्यादा करता है भाई, बहुत ही। तो मैं अभी बनाऊंगी बैंगन का भरता, क्योंकि अभी प्रांकी को थोड़ा कोल्ड है ना, मतलब हल्का हल्का सा कोल्ड बाकी है, वैसे तो नहीं है, दवाई मेडिसिन मतलब चली रही है, लेकिन तुरंत देना क्योंकि मौसम बहुत चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए उसे दिक्कत हो जाती है कि कभी ठंडा कभी गर्म। अब सुबह में जाती है तो फुल स्वेटर पहन के जाती है, बट अगर मतलब दोपहर में आती है तो वो स्वेटर पहना नहीं रहता है, वो निकल जाता है क्योंकि दोपहर में गर्मी लगती है। अभी जैसे हमने घर के अंदर है ना तो मैंने ये अपर डाल रखा है, लेकिन बाहर अभी जाओगे ना तो आप स्वेटर पहन के नहीं जा सकते, बहुत तेज गर्मी लगती है। मैंने सोचा था कि आएंगे ना तो सरप्राइज गिफ्ट देंगे तो अच्छा लगता है, मतलब कोई भी चीज हो, छोटी हो या बड़ी हो, वो मैटर नहीं करता है, बट कुछ भी हो ना सरप्राइज तो अच्छा लगता है, लेकिन इस लड़की ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। और तो नहीं पता चला, तो ये तो बताया है ना कि हमने कुछ लिया है, तो क्यों बताया? मैंने इतनी बार मना किया था कि मत बता प्लीज मत बता, लेकिन बच्चा है ना, थोड़ा सा भी लालच दो तो आ ही जाएगा। अगर 2 बार 4 बार पूछो तो वो बता ही देगा, तो उसने भी ऐसा किया, इसने भी बता दिया। है प्रांकी, क्यों बताया था? इसीलिए इसीलिए पापा के लिए कुछ भी करूंगी। पापरे, पापा के लिए कुछ भी करूंगी और तेरी। अच्छा ये बात है, तो पापा को सरप्राइज क्यों बता रही थी? तो फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड ये सब बताया, मतलब मना कर रही थी तो कह रही थी तेरे को नहीं बताना। अरे नहीं पता है रे बाबा, नहीं पहचान पाए ना पक्का, क्योंकि मैं पीछे से बोल रही थी ये लड़की मतलब बताने पे लगी पड़ी थी कि हाँ बता दे बता देगी, लेकिन पीछे से मैं बोले जा रही थी कि हाँ नहीं बताना मत बताना मत बताना, तो तब जाके ये मानेगी नहीं बताया, वरना ये बता देती सच में, अगर मैं पीछे से नहीं बोलती ना इसके तो ये बताने वाली ही थी। तो खैर चलिए हम अपना ब्लॉग ही करते हैं लास्ट, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।